वेलकम टू ट्रैवल सूत्रा सुमन स्वी। और आज हम आए हैं दिल्ली के वन ऑफ द ओल्डेस्ट साउथ इंडियन फूड जॉइंट जो कि है कर्नाटका फूड सेंटर। तो इसके बारे में ना हमने बहुत बहुत ज्यादा सुना है और एक बार पहले भी हम यहाँ पर आए थे लेकिन उस वक्त इतनी ज्यादा भीड़ थी और हमारे पास टाइम नहीं था तो हम वापस चले गए थे। लेकिन इस बार प्लान करके दोबारा आए हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे आज हम वीक डे में आए हैं और आज भी यहाँ पर 20 मिनट की वेटिंग है। तो अगर आप यहाँ आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो टाइम लेकर आए, चाहे आप वीकेंड में आते हैं या फिर वीक डेज में आते हैं। तो यहाँ की ये वेटिंग देखकर हमारी एक्सपेक्टेशन तो थोड़ी सी हाई हो गई है। अब अंदर जाके पता चलेगा कि यहाँ का खाना वाकई में वर्थ इट है या नहीं। कर्नाटका फूड सेंटर है आरकेपुरम सेक्टर 12 नियर गुप्ता सर्विस सेंटर। इसके सबसे पास जो मेट्रो स्टेशन है वो है मोतीबाग, सिर्फ 5 मिनट की वॉक है वहाँ से। यहाँ एंटर करते ही बड़ा सा मेन्यू लगा है। आप यहाँ वीक डेज पर आए या फिर वीकेंड, ये जो भीड़ आपको नजर आ रही है ना, ये ऐसी ही मिलेगी। और ये आ गया है हमारे पास इसका मेन्यू। मेन्यू में डोसा के बहुत ऑप्शंस है। थोड़ा सा कंफ्यूज होने के बाद हमने यहाँ के स्टाफ से पूछा कि बेस्ट क्या है और डन किया अपना ऑर्डर। वैसे यहाँ बाहर ही एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर मेंशन है कि आज यहाँ क्या स्पेशल बना है। आप उसके अकॉर्डिंग अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और बाकी मेन्यू के बैक साइड पर भी डेज के अकॉर्डिंग क्या स्पेशल है वो लिखा हुआ है। एंड फाइनली ये आ गया हमारा ऑर्डर, अनियन उत्तपम, अडाई डोसा एंड घी मसाला डोसा। तो हमारा जो स्प्रेड है वो आ चुका है और ये जो हमने ऑर्डर किया है ये है घी मसाला डोसा। उसके अलावा ये अनियन उत्तपम है और ये जो है ये अडाई डोसा है। आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो इनका स्पेशल मेन्यू इनका होता है और आज इनका जो स्पेशल मेन्यू है उसमें अडाई डोसा है। और इसके साथ जो हमें सर्व हुआ है वो है सांबर और ये है वाइट चटनी कोकोनट की और ये भी चटनी है और ये किस चीज की है मुझे पता नहीं। इसमें भी कोकोनट मूंगफली का फ्लेवर है लेकिन इसमें टमाटर डाला है, इसलिए प्लेन है ना, इसमें टमाटर डाला होगा। और सबसे पहले तो मसाला डोसा आपको इस तरीके से सर्व होगा, इसे आप फैला लो। घी डोसा रिसेंटली मेरा फेवरेट बन चुका है, चाहे प्लेन हो या फिर विद मसाला। अगर आपने अभी तक घी वाले डोसे ट्राई नहीं किए हैं तो जाइए जल्दी से ट्राई कीजिए, चाहे फिर आप कहीं भी इसे ट्राई करें, यकीन मानिए बिना घी के डोसा खाना आप छोड़ देंगे। कर्नाटका फूड सेंटर में जो हमारा लंच है वो ओवर हो चुका है। इट्स टाइम टू रिव्यू दिस प्लेस। और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ की एम्बियंस की। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है लेकिन जो एम्बियंस है वो काफ़ी वार्म एंड कोजी है। बेसिकली यहाँ जो लोग आते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के खाने के लिए ही आते हैं, तो आपको यहाँ का एम्बियंस जो है पसंद आएगा। और अगर बात करूँ सर्विस की तो सर्विस भी यहाँ की अच्छी है, थोड़ी सी स्लो है क्योंकि अब यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है तो उस वजह से हमें सर्विस थोड़ी सी स्लो लगी, लेकिन स्टाफ यहाँ का अच्छा है। और अब बात कर लेते हैं फाइनली जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, यानी कि यहाँ के स्वाद। तो हमने आज यहाँ पर ऑर्डर किया था घी मसाला डोसा, अढ़ाई डोसा और उत्तपम। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ घी मसाला डोसा की। तो इससे पहले मैंने कराची कैफे में ट्राई किया था, फर्स्ट टाइम जो घी डोसा था ना वो मैंने वहीं ट्राई किया था और उसके बाद इसका जो स्वाद है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा है, इसलिए हमने आज भी यहाँ पर वही ऑर्डर किया। और डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर आते हैं और घी मसाला डोसा आपने अगर अभी तक ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर करना। जो डोसा था काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी था और जो घी का जो फ्लेवर था ना वो उसके टेस्ट को ओवरऑल काफ़ी इन्हेंस कर रहा था, तो ये तो आपको ट्राई करना ही करना है। इसके अलावा उत्तपम मुझे ठीक लगा, मतलब क्या बोलूँ, मुझे ठीक ही लगा। मतलब घी मसाला डोसा के मुकाबले उत्तपम का स्वाद मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर आप उत्तपम के शौकीन हैं तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। और जो तीसरी चीज़ हम लोगों ने ऑर्डर की थी अढ़ाई डोसा, वो कुछ नया था
जो हम लोगों ने पहली बार यहाँ पर ट्राई किया, जो नॉर्मल डोसा होते हैं उससे काफ़ी अलग था, काफ़ी थिक था, काफ़ी सॉफ्ट था, क्रिस्पी नहीं था, वो सॉफ्ट था, उसका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अलग था। तो अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, आपको उसका टेस्ट पसंद आएगा। और पीने के लिए हमने ऑर्डर किया था मसाला छाछ और साथ में आम पन्ना। मसाला छाछ बिल्कुल ओके थी, लेकिन हाँ आम पन्ना का स्वाद अच्छा है। तो आए तो हम यहाँ थे इसके स्वाद के लिए, लेकिन इसके स्वाद के अलावा जो एक और बेस्ट चीज़ हमें यहाँ की लगी वो है कि ये जगह बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। मतलब हमने इतना ऑर्डर किया, अच्छा खासा हमारा जो टमी है वो फुल है, लेकिन जो हमारा बिल आया वो आया 660 रुपीज़। तो आप आराम से यहाँ आने का प्लान कर सकते हैं अगर आप साउथ इंडियन कैफे ढूंढ रहे हैं जहाँ पर आप आराम से भरपेट खा भी सके और पॉकेट की कोई टेंशन ना हो, तो आपको डेफिनेटली इसे विजिट करना चाहिए। तो ये थे कर्नाटक फूड सेंटर को लेके हमारे रिव्यूज़। तो जो हमारे एक्सपेक्टेशन थी इस जगह को लेकर, उस एक्सपेक्टेशन में ये बिल्कुल खरा उतरा है। और क्यों इसे दिल्ली की वन ऑफ दी मोस्ट पॉकेट फ्रेंडली साउथ इंडियन फूड जॉइंट कहा जाता है वो हमें आज पता चल गया है। तो हमारी तरफ से तो इस जगह को बिल्कुल थम्स अप है। तो अगर आप यहाँ आते हैं ये वीडियो देखने के बाद, तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। और अगर आप ट्रैवल सुधा समझ में बनाए हैं तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाकी आपसे जल्द मुलाकात होगी।